हेलो फ्रेंड्स, आज आपको इस वीडियो में बताएंगे कॉन्स्टिपेशन के बारे में, आपको कब्ज की बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताएंगे, आपको बताएंगे आपको कब्ज को दूर करने के लिए कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन लेनी चाहिए, आपको इस मेडिसिन की लत भी नहीं लगती है, आपको इसकी क्रेविंग भी नहीं होती है, आप इसे मेडिसिन को कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप इसका इस्तेमाल करने से आपको कब्ज की समस्या हमेशा के लिए दूर हो जाती है। दोस्तों, आपको पुराने से पुरानी कब्ज की समस्या से यह मेडिसिन 100% छुटकारा दिला देती है। प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखते रहना और अभी जो चैनल पर नए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर सौरभ पर स्वागत है। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। क्या आपको कब्ज की समस्या है? क्या आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या क्रोनिक हो चुकी है? क्या आपका मल 4-5 दिन बाद आता है और मल बहुत ज़्यादा टाइट आता है, बहुत ज़्यादा हार्ड आता है, बहुत अधिक जोर लगाना पड़ता है जिसकी वजह से आपका गुदा द्वार भी छिल जाता है, जिसकी वजह से आपको पाइल्स बवासीर की समस्या हो जाती है? तो जब आपको कॉन्स्टिपेशन कब्ज की समस्या हो जाती है तब आपके पेट में हल्का हल्का दर्द भी बना रह सकता है, आपका पेट फूल जाता है और बहुत ज़्यादा दर्द करता है। आपको हाइपर एसिडिटी की समस्या हो सकती है, गैस बनने की समस्या हो सकती है, आपके सिर में दर्द हो सकता है जिसकी वजह से आपका हमेशा मन उदास रहता है। आपको हाइपर एसिडिटी के साथ साथ आपका जी मिचलाने की समस्या हो सकती है, आपको तेजाब बनने लगता है। दोस्तों, आपको कब्ज कॉन्स्टिपेशन की समस्या विशेष तौर से तब होती है जब आप गलत आहार करते हैं, यानी गलत खान पान की वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो जाया करती है। अधिक जंक फूड का सेवन करने से और विशेष तौर से बहुत अधिक ऑयली भोजन करने से, तेलीय भोजन का अधिक इस्तेमाल करने से, वे व्यक्ति जो खाने में अपने अधिक तेल का इस्तेमाल करते हैं, चिकनाई का अधिक इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से उनको कॉन्स्टिपेशन कब्ज की समस्या हो जाती है। तो आप बहुत अधिक मात्रा में तेल का इस्तेमाल करते हैं तो आपको हेप्टोमेगाली हो सकता है, आपके लीवर पर सूजन आ सकती है। दोस्तों, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो गया है तब आप ऑयली भोजन और जंक फूड का सेवन बिल्कुल ना करें, अपने आहार में एक सुनिश्चित आहार ही इस्तेमाल करें। आप अधिक से अधिक हरी सब्जियों का इस्तेमाल करें, उबली हुई सब्जियों का अधिक इस्तेमाल करें। तो अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो गई है, आप बहुत सालों से क्रोनिक डिजीज हो जाने की वजह से आप हमेशा परेशान रहते हैं, आपका मल 4-5 दिन के बाद आता है या फिर कभी कभी एक सप्ताह के बाद भी आपको मल की समस्या हो सकती है, मल आने की प्रॉब्लम हो जाने पर आपको जब भी मल आता है तब आप बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाते हैं। बेचैन इसलिए होते हैं क्योंकि आपका मल बहुत ज़्यादा कठोर होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, बहुत ज़्यादा कठिनाई के साथ आता है जिसकी वजह से आपके गुदा द्वार भी छिल जाता है, आपको पाइल्स की समस्या हो सकती है, आपके गुदा द्वार में से ब्लीडिंग की समस्या आ सकती है। जब अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो जाती है तब आपको बेस्ट मेडिसिन लेनी चाहिए। इस मेडिसिन का नाम है लैक्सेट एड। दोस्तों, बैक्सन कंपनी का सप्लीमेंट है, ये है लैक्सेट एड टैबलेट है, वैक्सन कंपनी की सप्लीमेंट टैबलेट। दोस्तों, इफेक्टेड होम्योपैथिक मेडिसिन। जब आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो जाती है तब आप इस मेडिसिन का रेगुलर इस्तेमाल करना चाहिए। आप इस मेडिसिन का रेगुलर इस्तेमाल करेंगे तब आपको 100% पुरानी से पुरानी कॉन्स्टिपेशन कब्ज से छुटकारा मिल जाता है। दोस्तों, लैक्सेट टैबलेट वैक्सन कंपनी की एक सप्लीमेंट प्रोडक्ट है, आपको इसकी लत भी नहीं लगती है, आपको इसकी क्रेविंग बिल्कुल भी नहीं लगती है। आप इस मेडिसिन को लगातार कुछ दिन लेने के बाद इस मेडिसिन को बंद कर सकते हैं। आप इस मेडिसिन को बंद भी कर देंगे तब भी आपका पेट सुचारू रूप से साफ होता रहेगा और आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं रहेगी। इफेक्टेड टैबलेट है, सप्लीमेंट आती है इसलिए इसकी लत नहीं लगती है। तो इतनी इफेक्टेड होम्योपैथी मेडिसिन क्यों है ये लैक्सेट टैबलेट और इसकी लत भी नहीं लगती है? तो इस मेडिसिन के अंदर है सेनेगा। सेनेगा आपके पेट की समस्त प्रॉब्लम को दूर करता है। आपकी पेट की होने वाली जितनी भी प्रॉब्लम होती हैं, विशेष तौर से कब्ज, आपका मल बहुत ज़्यादा कठोर हो जाता है, आपको मल नहीं आता है, आपको हाइपर कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, आपको एसिडिटी बनने लगती है, आपको तेजाबियत की समस्या हो जाती है, सिर में दर्द होने लगता है, आपका पेट हमेशा ख़राब रहता है, तब आपको सेनेगा दिया जाता है और सेनेगा जो कि इस लैक्सेट टैबलेट के अंदर है। दोस्तों, नेक्स्ट मेडिसिन इसके अंदर टर्मिलिया चंबुला। टर्मिलिया चंबुला एक इफेक्टेड होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसे आप अरहर भी बोलते हैं। दोस्तों, इस मेडिसिन को विशेष तौर से पेट की समस्त प्रॉब्लम को दूर करने के लिए दिया जाता है। जब आपको क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, पेट में दर्द रहता है, गैस बनने लगती है, एसिडिटी की समस्या हो जाती है, आपका पेट फूल जाता है, आप थोड़ा सा खाना खाते हैं, थोड़ा सा खाना खाने के बाद ही आपका पेट फूल जाता है, बहुत अधिक बड़ा हो जाता है, आपका पेट पर दबाव महसूस होता है, आपको दर्द महसूस होता है और आपको मल कई कई दिनों के बाद आता है। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए टर्मिलिया चंबुला मेडिसिन दी जाती है। यह मेडिसिन भी लैक्सेट
एड टैबलेट के अंदर है। दोस्तों लैक्जेट एड टैबलेट वैक्सन कंपनी का फूड सप्लीमेंट का प्रोडक्ट है। कॉन्स्टिपेशन है, क्रोनिक हाइपर कॉन्स्टिपेशन है, आपको कब्ज रहता है, तब आप इस मेडिसिन का जरूर इस्तेमाल करें। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन कब्ज की और अधिक जानकारी चाहिए तब आप हमारी वेबसाइट parivchar.com पर देख सकते हैं। दोस्तों आपको हमारी वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप इस मेडिसिन का जरूरी इस्तेमाल करें। वे व्यक्ति जो बहुत अधिक कॉन्स्टिपेशन की समस्या से जूझ रहे हैं, वे व्यक्ति जिनका पेट साफ नहीं होता है, तब उनके लिए यह वीडियो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता है। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और अभी जो चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।